अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमेरिकन पुप्पो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। मैं कह रही हूँ, मुझे ना देख के जब पुप्पो ने कहा ना अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पुप्पो, सामने आ गई कढ़ाई। मुझे ऐसे लगा जैसे कढ़ाई इंट्रोडक्शन करा रही होती है अपनी मैं लगी थी करवा रहे, ये है कढ़ाई, ये है गोश्त, ये है प्याज, ये है टमाटर, यहाँ पे कुकिंग हो रही ये है, है मेरे हाथ। सॉरी हो रहा है। हाँ, वो जो कहते ना, वो कहते वो पोको के iPhone 14 Pro Max में चिट्टे आ गए। हाँ, कसम से इस बात ऐसे गंदे आते हैं ना जो हमारे गंदे होते भी नहीं है। हाँ, माइक्रोस्कोप लगी हुई है इनमें। सही बात है यार। मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त सिरके वाला। उस दिन मैंने बिल्कुल वो नमक वाला सादा ही बनाया था, तो मैंने कहा इसकी भी सिरके थोड़ी से क्या फर्क पड़ता है? उसके टेस्ट में पड़ता है। उसमें जो अकेला नमक वाला बनाती है उसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती, कुछ भी नहीं। जो ये सिरके वाला, इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा मतलब उसमें सिर्फ प्याज और सॉरी लहसुन अदरक डालता है। इसमें लहसुन अदरक, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, काली मिर्ची, नमक, फिर जब आधा के गाजर, फिर इसमें सिरका डाल दो। सिरके से टेस्ट अच्छा बनता है। तो मैंने उस दिन सादा बनाया था, एक दिन आज मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये बताऊँ, बहुत मज़े का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा। तो सही सही सही, इन्ने दुखे कहा। अंदाज से क्या ना सही। ओ कसम से, सच्ची बात तो मुझे आपके ना इसी बात से मेरा दिमाग चला गया एक और बात की तरफ। वहां से मुझे एक ना दुखी सा कॉम्प्लीमेंट याद आ गया कि हमारे जो वेल विशर है ना एक दो, जो हमारे ब्लॉगिंग से बहुत खुश है, उसका किसी का कमेंट याद आ गया ओ, फिर वो ही था। टर्च ले ली खाला ने। अभी कहने मुझे को इसने बस एक बात कही थी। मैंने इसको कहा, मैंने कहा टेंशन नहीं लेते, कोई क्या समझता है दुनिया भी, जब हमने मर जाना फिर किसी ने क्या कहना, सारी जिंदगी हम इसी पुप्पो में। चिल है, पुप्पो बड़ा स्टेमिना आ गया है, लेकिन अभी मैं उस फेज में नहीं हूं कि भाड़ में जाए जनता। अच्छा, मैं अब आ गई हूँ इस पे। वो जैसे कहते ना, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, भाई अपनी थोड़ी टेंशन लोगों की लो। वो जैसे कहते, ये तो उनकी टेंशन है, उन्होंने क्या सोचना, ये भी हम सोचें। इसलिए फ्रेश रहो, खुश रहो, बाश रहो, ये डायमंड की ज्वेलरी है इधर भी। ये पुप्पो ने इस बार लेके आनी है मेरे लिए। नहीं, मुझे इधर से मिलती है ज्यादा, सैम्स क्लब से या फिर कॉस्टको से ये लेके आते हैं। मेरी जो वेडिंग रिंग थी वो भी इधर से इन्होंने ली थी, सैम्स क्लब से। सही, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। और पुप्पो जब यूनिवर्सिटी गई ना, वहां की केयर टेकर जो यूनिवर्सिटी की थी, उसने पूछा माला आपको मुंह दिखाई में क्या मिला। माला ने अंगूठी आगे की, वो कहती है चांदी दी अंगूठी। हाँ, ये भी एक जोक और मैंने माला की तरह यूं देखा, मैंने कहा पाकिस्तान बंदा क्या करे, क्योंकि मतलब एवरेज एनवायरनमेंट में अगर बंदे ने डायमंड जूटी पहनी है फिर वो बताए किसी को था। अच्छी बात है, कि नहीं मैंने ये पता डायमंड चलता। करा है। अच्छी बात है, लोग सारे वहां मैं पहनू भी रहा तो सारे कह समझते आर्टिफिशियल पहनी हुई है। कहते हैं हाँ, वे कहते हैं कि बेचारी गोल्ड भी नहीं पाया नो। वो कहते तो हाँ, तो सही है ना, वो टेंशन तो नहीं ना होती फिर बंदे को, जैसे मर्जी पैर के फिर ही रखो। हम गए शादी पे, ये सैम्स क्लब है, यहाँ मैं आए थे, हम मेरे डॉक्टर पास अपॉइंटमेंट थी, वापसी पे हम इधर रुके थे। इन्होंने कुछ चीज़ें स्टोर की लेनी थी, और मैंने कहा मैं बच्चों के ना ट्रोज़र नहीं हमें मिल रहे थे स्कूल के बच्चों के ना, अभी तो अब कुछ सर्दियों वाली चीज़ें आने लगी, तो मैंने कहा यहाँ से देखूँ। फिर मैंने जोया का लिया, लेकिन जोया को बड़ा इतराज़ था कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैं आराम से वीडियो बनाती रही, वो अपने स्टोर की चीज़ें लेते रहे। फिर हम जाते हुए वापसी में इकट्ठे हो वैसे गए। मन का गया, मैं यहाँ अभी पप्पो एक्सपर्ट हो गई हो वीडियो बनाने में, नो नहीं, डाउट। इन्हें इधर मैंने बताया था ना क्या, मैं थोड़े से ध्यान से बनाती होती हूँ। मैं उधर डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़ा काम था, ऑफिस गई, मैंने कहा अच्छा मैं अपना यहाँ से एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैं वीडियो बनाती हूँ। वहां इतने सारे लोग देखे, मैंने कोशिश की, फिर मैंने आखिर वही जैसे फुफ्फो ने बताया, मैं कैमरा पकड़ के, मैंने वैसे कैमरा पकड़ के वीडियो बनाई, फिर मुझे फीलिंग समझ आई फुफ्फो की। है ना, आई ना। अभी पाकिस्तान में इतनी ए लोग नहीं इतना इस चीज को इशू बनाते, यहाँ तो लोग सीधा टका के कह देते हैं। तो हाँ लेकिन वहां गवर्नमेंट ऑफिस है ना, तो हाँ मैं हाँ डर उस रही थी जगह थोड़ा कि पे, मुझे कोई वो ना आके रोक दे। हाँ, वो कुछ और ही उसमें ना। ये देखो कितना प्यारा है, पर मैंने सोचा एक ले ले, फिर मैं कहा एक एक ना, मैंने कहा हमारे घर में मैदान जंग शुरू हो जाना है। फिर मैंने देख के रख दिया वापस, मैंने कहा ये भी हमें हर चीज तीन चाहिए होती है।
बिल्कुल सेम वैसे मेरे साथ कल हुआ। हम गए यहाँ बाजार तक जाना था, थोड़ा मेरी चप्पल घर रह गई थी, मैंने कहा चप्पल ले आऊं। जब मैं चप्पल लेने गई मुझे पसंद नहीं आई, साद ने कहा मैंने लेनी है। अली बंद शूज देख के कहता इतने दिनों से मैं बाबा को कह रहा हूँ मुझे शूज नहीं लेने। मैं कहा अच्छा जो पसंद है ले लो। साद जुहान ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मुझे अभी कत्ल कर दे। मैं कहा ले लो। 3 बॉक्स जूतों के लेके हम घर आ गए, मेरी चप्पल नहीं थी उसमें। ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, ऐसे थे बच्चों की एक चीज लो पता है हमने 3 लेनी है। तो हर्ष सारे कहता, ऐसे मजलूम। हर्ष की बर्थडे की ना पिछले साल भी पाकिस्तान ही, तो हम 6 लोगों के मतलब 6 हमारे घर में बचे थे, हम 6 बच्चों के लेके आए थे। एक बच्चे की बर्थडे थी, 6 बच्चों के हम गिफ्ट लेके आए थे। हमें पता था हमारे घर में मैदान जंग शुरू हो जाना है। ये बड़ी प्यारी सी और कार एक्चुअली थी, मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये मुझे ले इतने से, कहते ले ली है। मैंने कहा है, कहते हाँ लेनी है तो ले लेते हाँ हैं, घर में चला लिया। भाई का तो शौक है। छोटी सी वो थी, वो ऐसे जैसे वो वॉकवे पे चलने आने के लिए, या घर में बच्चे इधर चला सकते हैं, जैसे कहते ले लो। मैंने कहा पहले इसमें झूले ले लो, मेरे खेलने की उम्र है। वैसे भी भाई के लिए लफ गाड़ी होना चाहिए। हाँ उन्हें तो क्रेज है, गाड़ियों का तो क्रेज है उन्हें, एक यही और है ये उन्हें सारे क्रेज। तकरीबन मर्दों को ही होता है, हर एक में गाड़ी के अलावा। जैसे सबका डिफरेंट, किसी को फोन का शौक है, किसी को कैसे। हाँ इनको शुरू से गाड़ियों का है। लो भी अब हम वापस जा रहे हैं, मैंने कहा आपको काफी दिन से रास्ता नहीं दिखाया, और ये हो सो अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा जोक रह गया।